सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही है। एक खबर ये भी चल रही है कि मायावती बीजेपी से गठबंधन कर सकती है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मायावती बीजेपी के साथ आती है तो क्या बीजेपी को वाकई फायदा होगा? देखिए, ये राजनीति का ऊंट है, ये किसी भी करवट जो है बैठ सकता है। और मायावती जैसे हम बात करते हैं राजनीतिक, जो किसी भी देश के अंदर अगर हम भारत की राजनीति की बात करें प्रमुख प्रकार से, तो यहाँ पर आपने देखा होगा जब भारतीय जनता पार्टी जो है कश्मीर के अंदर पीडीपी के साथ सरकार बनाती है, आप एक देखते हैं महाराष्ट्र के अंदर जो है शिवसेना अपने ध्रुव विरोधी जो है कांग्रेस और एनसीपी के साथ सरकार बनाती है। तो पॉलिटिक्स इज़ ऑल अबाउट सर्चिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़, तो संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। और मायावती पहले भी जो है भाजपा के गठबंधन में रही थी। हाँ, वो बात अलग है कि भाजपा का उनके साथ अनुभव बहुत अच्छा नहीं था, वो धोखा दे के चली गई थी। अब आज अगर मायावती को लग रहा है कि मुझे गठबंधन करना चाहिए, और यदि भाजपा को कहीं पे उसका बेनिफिट समझ आता है या शीर्ष नेतृत्व उस चीज के ऊपर कुछ डिसीजन करता है, तो ये भविष्य के गर्भ में छुपा है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस गठबंधन की 1% भी दरकार भारतीय जनता पार्टी को है। हाँ, मायावती को अपनी पार्टी को रिवाइव करने के लिए 100% जो है दरकार है, क्योंकि समझने की बात है कि पिछले 2014 से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत पानी बह चुका है उस, और जो वहां पर जो है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बनाए गए, मुझे ऐसा व्यक्तिगत रूप से लगता है कि मायावती को समाप्त करने की एक रणनीति कांग्रेस ने बनाई। और कांग्रेस ने क्या रणनीति बनाई कि पहले जो है दो युवाओं का साथ पसंद करके उन्होंने एक ट्रायल करके देख लिया, उनको लगा भाई यहाँ तो कुछ दाल नहीं गल रही। फिर उन्होंने जो है 2019 में जो है बुआ बबुआ का जो है एक बेमेल गठबंधन बना दिया, और उसके बाद जो सपा के समर्थकों में तल्खी थी तो वो देखने को मिली। अगर आप ऑन ग्राउंड आपने उस वक्त भी घूम के समझा होगा कि यादवों के अंदर जो है किस प्रकार की तल्खी थी, जो एक समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक था वो इस बात से कहीं ना कहीं नाराज था। पर कांग्रेस को जो काम करना था, मुझे लगता है कि कांग्रेस जो है उतनी सफल नहीं हो पाई जितना वो सफलता इसमें ढूंढ रही थी। हुआ क्या कि 5 सांसदों वाली सपा 5 में ही अटक के रह गई, और 0 सांसद वाली बहन जी जो है 10 पे आ गई। बहन जी को कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ लोकसभा में, पर वो जो विधानसभा के अंदर जो डेंट बहन जी को हुआ है उसकी टीस कहीं ना कहीं उनके मन में है, तो वो एक उनकी अपनी एक व्यक्तिगत छटपटाहट है। देखिए, कोई भी व्यक्ति राजनीति करता है तो वो अपने पार्टी के प्रभाव को फैलाना चाहता है। जब बहन जी के 20 सांसद हुआ करते थे तो वो इस देश के अंदर प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देखती थी। और मुझे लगता है कि राजनीति में लोग आते हैं, मैंने लालू प्रसाद यादव को जो है लोकसभा के डायस से बोलते हुए सुना कि हाँ जी हम भी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। तो राजनीति के अंदर लोग आते ही इसीलिए अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते समाज सेवा, कुछ लोग समाज सेवा करते हैं, पर बहुत सारे लोग जो है अपनी महत्वाकांक्षाओं को जो है हवा देने के लिए आते हैं। तो आज के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो निश्चित रूप से ये बहन जी की एक छटपटाहट है, वो अपनी पार्टी को रिवाइव करना चाहती हैं। देखिए, हुआ क्या कि जो बहन जी का कोर वोट बैंक था, दलित वोट बैंक था, जो मुस्लिम वोट बैंक है, वो मुस्लिम का जो वोट बैंक है उसका बहुत क्लियर स्टैंड रहता है। वो ये देखता है कि कौन भाजपा को हरा रहा है, जो भाजपा को हराए वो मुस्लिम वोट बैंक उधर चला जाता है। अब आज ये कोई नहीं कह सकता कि मुस्लिम वोट बैंक जो है कांग्रेस की बपौती है या सपा की बपौती है या बसपा की बपौती है। आज दिल्ली के अंदर मुसलमानों को लगा कि जो है भाजपा को आम आदमी पार्टी हरा सकती है, तो पूरा का पूरा मुस्लिम वोट बैंक जो है पोलराइज हो गया आम आदमी पार्टी की तरह। तो यही संभावना है। बंगाल के अंदर मुसलमानों को लगा कि जो है ममता बनर्जी जो हरा सकती हैं, तो पूरा का पूरा वोट बैंक जो है ममतामय हो गया। असम के अंदर आप देखिए, अगर भारतीय जनता पार्टी कितना सबका साथ सबका विश्वास की बात कर ले, कितना एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर की बात कर ले, आसमान से अगर अल्लाह मियां भी बोल देना तो इस देश का मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूं। और सिर्फ मैं नहीं कहता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा ने यह बोला। आप दो अभी के चुनाव की अगर तमाम वो वीडियो फुटेज उठा के देखेंगे, मीडिया के लोग मुंह में माइक डाल डाल के बोलते हैं कि आप जो है मियां लोगों से वोट नहीं मांगता। अरे भाई, जो तुम्हें वोट देगा ही नहीं उससे मांग के एनर्जी क्यों खराब करनी, क्यों किसी के मतलब आप क्यों किसी की खुशामदी करेंगे जब किसी के दिमाग में एक पत्थर बैठ चुका है कि इसको भाजपा के लिए वोट नहीं करना, तो वो लोग एकमुश्त होके वोट करते हैं। तो अभी भी उत्तर प्रदेश के अंदर इस बात
के पत्ते मुसलमान समुदाय ने नहीं खोले कि वो किसके लिए वोट करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी इस चुनाव में, आने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी भी वहां पर आ रही है और सपा किसके साथ गठबंधन करेगी, बसपा किधर जाएगी, तो ये सारी चीजें बड़ी निर्णायक होने वाली हैं। पर हाँ, निश्चित रूप से बहन जी के लिए ये एक बहुत डिसाइसिव इलेक्शन होने वाला है, क्योंकि बेशक उनके 10 सांसद जो है लोकसभा के अंदर हों, विधानसभा में उनकी हालत जो है बहुत पतली है, क्योंकि पहले जो है बसपा का जो है एक राष्ट्रीय राजनीतिक दल का जो तगमा होता था वो आज की डेट में एक क्षेत्रीय दल तक ही सीमित हो गया है और बहन जी जो है बहुत डेस्परेटली इसको रिवाइव करने पर तुली हुई हैं। लेकिन शर्मा जी, अगर तुलना की जाए मायावती और अखिलेश सरकार की, तो पलड़ा किसका भारी दिखाई देता है? देखिए, अगर आप मायावती और अखिलेश का कंपैरिजन करेंगे तो आपको थोड़ा सा हिस्ट्री में जाना होगा। मायावती और अखिलेश में बहुत डिफरेंस है और उन दोनों का जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्यूमन है उसमें जमीन आसमान का फर्क है। फर्क ये है कि मायावती ने जो सत्ता पाई वो अपने संघर्षों से पाई, अपने दम पर जो है उन्होंने बहुमत हासिल किया और उन्होंने सरकार बनाई और उन्होंने जो है सरकार चलाई। परंतु अखिलेश यादव के पिताजी ने उनको थाली में सजाकर सत्ता दी और अखिलेश यादव ने वो पूरा रायता फैला दिया। अखिलेश यादव ने क्या किया, आज बात समझने की ज़रूरत है। अखिलेश यादव की सरकार में कितने मुख्यमंत्री थे, पहला तो सवाल ये। पहले नेताजी सर्वमान्य मुख्यमंत्री, उसके बाद अखिलेश यादव संवैधानिक मुख्यमंत्री, उसके बाद शिवपाल यादव मुख्यमंत्री, उसके बाद रामगोपाल वर्मा मुख्यमंत्री, उसके बाद लोगों के अंग वस्त्रों का रंग बताने वाले चिचा आजम खान मुख्यमंत्री। तो इतने सारे मुख्यमंत्री हो जाएंगे तो कौन कैसे सरकार चलाएगा? और अखिलेश यादव के साथ समस्या ये थी कि अखिलेश यादव जो है हमेशा अपने चाटुकारों के साथ घिरे रहे, उनको जो जमीनी स्तर की हकीकत है वो कभी उन तक पहुंची नहीं और वो उसी में जो है अपना मंत्रमुग्ध रहे और उन्होंने जैसे तैसे 5 साल घसीटे। पर अगर आप मायावती की बात करेंगे तो मायावती ने जो है पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को ऐसे चाक चौबंद रखा हुआ था कि वहाँ पर कोई व्यक्ति जो है अपने हिसाब से काम नहीं कर सकता था। और सबसे बड़ा उदाहरण देखिए, आपने देखा होगा मायावती ने कैसे जो है 10,000 करोड़ की मूर्तियां और वो बना दी। आप सोचिए, जो महिला जो नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के आदेश को धत्ता बता के काम कर रही हो, आप सोचिए, ये भी एक वर्किंग स्टाइल है। देखिए, प्रदेश की जनता ने उनका समीकरण किया, उनको राजनीति के जो है एक छोर पर उठाकर फेंक दिया, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है। फिर उसके बाद अखिलेश यादव को पूर्ण बहुमत से सरकार मिली और आज अखिलेश यादव जो है 50 विधायक नहीं है उनके प्रदेश के अंदर। तो जनता हर बार हर नेतृत्व का आंकलन करती है, कर रही है और आगे भी करेगी। पर हाँ, हर मायने में मायावती अखिलेश यादव से 21 थी। मायावती का एडमिनिस्ट्रेशन हो, मायावती के जो है अपने समाज के लोगों तक विकास को पहुंचाना हो, चाहे अपने समाज के लोगों के साथ खड़ा होना हो। हाँ, बेशक मायावती जो है पिछले 5-6 साल से जो है मुझे नहीं लगता कि जितना दलित के साथ कहीं पे भी एट्रोसिटीज होती है मायावती वहाँ पहुँच पाती हैं। और अन्य राजनेता बेशक उस मुद्दों को भुना लेते हैं, आपने देखा चंद्रशेखर रावण जैसे लोग जो है पैदा हो गए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के अंदर। अब कौन उनको फ्यूल कर रहा है वो आपको और हमको पता है, प्रदेश की जनता को पता है। पर हाँ, कहीं ना कहीं जो एक लाइमलाइट होता है, राजनीति का लाइमलाइट होता है, वो भी मायावती से छिनता हुआ दिख रहा है। तो मायावती को आवश्यकता है कि वो अपनी पार्टी को पुनर्जीवित करें। अब वो कैसे करेंगी वो जो है भविष्य के गर्भ में छुपा है। अच्छा, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ पर लगातार अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं कि जो यूपी की सत्ता है वो भी कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ के हाथ से जाने वाली है, असली कमान दिल्ली के हाथ में, योगी आदित्यनाथ की चल नहीं रही है, उनको हटाया जा सकता है, ऐसी भी तमाम थी, लेकिन वो साफ हो गया। लेकिन जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो असली सत्ता है वो केंद्र के हाथ में, दिल्ली में। देखिए, ये एक्चुअली ये बहुत मजेदार कहानी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को बताना चाहता हूं कि कांग्रेस के अंदर एक फेल्ड रॉकेट है जिसको हर 6 महीने में लॉन्च करने की कोशिश की जाती है। वैसे ही दूसरी फेल्ड रॉकेट है जिसका नाम है प्रियंका वाड्रा, जिसको लोग प्रियंका गांधी 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 करके जो है प्रचारित करते हैं। तो उन्हीं प्रियंका वाड्रा को पहले प्रदेश का महासचिव बनाकर वहां पर भेजा गया और उसके बाद आपने देखा कि कैसे प्रियंका वाड्रा हर छोटे से छोटे इशू में कूद के जो है UN क्राई करती दिखाई दी। परंतु उन्हीं के शासित प्रदेशों के अंदर छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है, कोविड
प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है और वहाँ उनके मंत्री किस प्रकार के संवेदनहीन बयान देते हैं, तो वो जो है गांधी जी के बंदर की तरह आंख नाक मुंह सब बंद कर लेती हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कवायद है, ये प्रियंका वाड्रा को उत्तर प्रदेश के अंदर लॉन्च करके कांग्रेस को रिवाइव करने की जो है एक राजनीति है। परंतु दुर्भाग्य कांग्रेस का, कांग्रेस के पास ना नेता ढंग का, ना नीति ढंग की और ना उनको इंप्लीमेंट करने का पार्टी का कैडर। अब आप सोचिए, जिस कांग्रेस की जो बहुत बाहुल्य सीट थी अमेठी, अमेठी में उनका कोई ब्लॉक प्रमुख नहीं है, उनके पास कैडर ही नहीं है, उनके जो तमाम उस गढ़ के जो विधायक थे वो भी आज पार्टी छोड़ के अलग बैठे हुए हैं। तो उसी अमेठी से राहुल गांधी को जो है भाग कर जो है वायनाड जाना पड़ता है। तो आने वाले दिनों में रायबरेली में भी ऐसा हो कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी ये जो राजनीति चल रही है, ये इसमें सिर्फ अखिलेश यादव शामिल नहीं है, इसमें कौन कौन शामिल है, ये कांग्रेस का स्ट्रैटजी है जिसको लुटियन मीडिया जोर शोर से जो है एग्जीक्यूट कर रहा है और उसमें जो है फ्यूल डालने का काम अखिलेश यादव जैसे टोटी भैया कर रहे हैं। अब अखिलेश भैया कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ की चलती नहीं है, और देखिए जो आपके साथ हुआ हो ऐसा नहीं कि वो औरों के साथ भी हो। आपके सर के ऊपर तो 5 मुख्यमंत्री थे, आपकी कितनी चलती थी वो तो देश की जनता ने देखा, प्रदेश की जनता ने देखा, इसीलिए तो आपको दरकिनार कर दिया गया। आज आप कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी राज्य में चले जाइए जहां पर चुनाव होते हों और वहां पर एक ही आवाज़ आती है कि हमारे प्रदेश में भी योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। ये योगी जी की लोकप्रियता है। आज आप किसी भी प्राइवेट एजेंसी से अगर सर्वे कराएंगे, और आप सिर्फ यूपी की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप देश के सर्वोत्तम मुख्यमंत्रियों का सर्वे कराते हैं तो पिछले 2 सालों के अंदर हर बार योगी आदित्यनाथ जी निर्विरोध रूप से जो है प्रथम श्रेणी में पाए गए हैं। तो यह क्या है कि एक खुश, जिसे कहते हैं ना खुशफहमी की राजनीति है, कि कुछ ट्रिगर कर दो और इनके चरण चाटुकार पत्तलकार उस चीज को एम्प्लीफाई करेंगे और उसके बाद दिखाएंगे जनता के बीच में भ्रम की स्थिति पैदा करेंगे। अरे भैया, 300 से अधिक विधायक वाली संपूर्ण बहुमत की सरकार, और योगी जी एक ऐसे योद्धा हैं जिन्होंने जब से सत्ता उनके हाथ में आई है उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर से लेकर हर चीज़ में जो है अव्वल दर्जे पर काम किया है। जिस कोरोना काल में जो है राज्यों के अंदर जो है इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, ऐसे में 16,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट एग्जीक्यूट हो चुके हैं उन तमाम निवेशकों को जो है अपना प्लांट लगाने का, अपनी इंडस्ट्रीज लगाने का जो है सारा जो है ब्लूप्रिंट सबमिट हो चुका है। उसके अलावा लगभग 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट पाइपलाइन में है। आज उत्तर प्रदेश को डिफेंस का हब बनाया जा रहा है, आज उत्तर प्रदेश को टॉयज के लिए हब बनाया जा रहा है। आप सोचिए, ये चीजें ओवरनाइट नहीं होती हैं। आपने उत्तर प्रदेश को 2017 से पहले जातिगत राजनीति का एक अखाड़ा बना दिया था कि और वहां की जनता फुटबॉल होकर रह गई थी, कभी सपा के पैरों में, कभी बसपा के पैरों में। तो ये जो जिंक्स 2014 में नरेंद्र मोदी की राजनीति ने जो है अब प्रत्यक्ष रूप से पूरे देश में तोड़ने का काम किया, चाहे वो बिहार हो चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, आज वहाँ पर विकास, आज वहाँ पर राजनीति के मायने बदल गए हैं। जिन प्रदेशों के अंदर राजनीति के मायने सिर्फ और सिर्फ जात पात जो है क्षेत्रवाद भाषावाद अमीरवाद गरीबवाद हुआ करता था, आज उन प्रदेशों के अंदर जो है विकास की बात हो रही है, विकास के मानकों पर वोट मांगे जा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे देश के प्रधानमंत्री ने 5 साल के बाद जनता के बीच में आके अपना मैनिफेस्टो बताया और बोला कि देखो मैंने 2014 में ये वादे किए थे और मैंने इतने वादे पूरे कर लिए हैं और मैं एक नया मैनिफेस्टो लेके आया हूं। समस्या ये है, जब जो है देश के प्रधानमंत्री ने 2019 के बाद ताबड़तोड़ तरीके से काम करना शुरू किया, चाहे वो राम मंदिर का मामला हो चाहे 370 का, इस देश की लिबरल मीडिया ने जो है लुटियन मीडिया ने इतना तक कहना शुरू कर दिया कि क्या मोदी जी जल्दबाजी में तो नहीं है, मतलब काम करें तो समस्या, नहीं करें तो डेफिनेटली समस्या, अपना मैनिफेस्टो पूरा करें तो समस्या, कांग्रेस वालों के छूटे हुए मैनिफेस्टो पूरे करें तो समस्या। तो भाई करें तो करें क्या, देश ने हमें सत्ता में बिठाया, किस लिए बिठाया, कि हम जनता के लिए काम करें और जो वादे किए उससे अधिक काम करें। तो केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में और राज्य में योगी जी के नेतृत्व में बहुत बेहतरीन तालमेल के साथ काम हो रहा है, और ये जितने लोग अफवाहों का बाजार गर्म करके जो अपना जो है रोटी पानी चलाते हैं
हैं, उनकी अफवाहें, आधी अफवाहें तो कल रात को खत्म हो गई जब योगी जी दिल्ली आए, उन्होंने जो है अमित शाह जी से मुलाकात की, और आज उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री जी के साथ है। और बीएल संतोष जी ने तो बहुत कैंडिडली बोला कि जो है उत्तर प्रदेश की सरकार ने कोरोना काल में सबसे बेहतरीन काम किया। देखिए आज एक बहुत आवश्यकता है कि पार्टी लाइन से हटकर हम एक ईमानदारी पूर्वक जो है एक एनालिसिस करें। 23 करोड़ की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, वहाँ पर कितने लोगों की मौत हुई है कोरोना से और वहाँ की सरकार किस हिसाब से डील कर रही है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र, आधे से भी कम पॉपुलेशन है महाराष्ट्र की उत्तर प्रदेश के कंपैरेटिवली, 1 लाख से अधिक मौतें हो चुकी हैं। आपको पता है कल बयान आया है वो एक फटे पुराने ढोल बजाने वाले शायर का, जो मिमियाता हुआ कह रहा है कि मोदी जी जो है देश के ही जो है निर्विवाद सबसे बड़े नेता है। क्यों? तुम्हारी पूंछ के ऊपर और तुम्हारी जब गर्दन देश के सभी एजेंसियों के हाथ में, तब तुम्हें ध्यान आया कि मोदी जी सबसे जो है बेस्ट नेता हैं और निर्विवाद नेता हैं। तुम ही लोग कल परसों तक गालियां बकते थे ना मोदी जी को, और आज मुझे लगता है कि 10 जनपद वाली भूरी काकी ने जो है नजरें टेढ़ी कर दी हैं इन लोगों के ऊपर, अब इनको मोदी जी भगवान नजर आ रहे हैं। मैं आपको वादे के साथ कहता हूं, अगर कल इस देश में मोदी जी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे ना, इस देश के ये तथाकथित लिबरल लोग और ये लुटियन मीडिया वाले लोग ये कहेंगे कि मोदी जी तो भगवान है भगवान, क्योंकि योगी जी लाग लपेट वाली बात नहीं करते, योगी जी ठोक के काम करते हैं सीना, क्योंकि उनको किसी को खुश नहीं करना है, उनको उनकी प्रायोरिटी सिर्फ जो है प्रदेश की जनता है। जो मुख्यमंत्री अपने पिताजी के जो है देहांत होने के बावजूद भी प्रदेश की जनता को जो है प्रायोरिटी पे रखकर जो है जनसेवा में संलग्न रहता है, अगर उसके उसके अगर इंटेंशंस के ऊपर अगर कोई क्वेश्चंस उठाता है तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अपना जो है दिमाग चेक करा लेना चाहिए। क्योंकि अभी मैं देख रहा था कल एक कांग्रेस की प्रवक्ता जो है टीवी पर बड़ा अजय बिष्ट करके बोल रही थी। आप सोचिए इन धूर्त कांग्रेसियों का डीएनए जांच करने की जरूरत है। क्यों जरूरत है? जब इनकी अम्मा को एंटोनियो माइनो के नाम से एक पत्रकार ने बुला दिया तो उसके खिलाफ 200 FIR करवा दी इन लोगों ने, और आज ये एक सन्यासी, क्योंकि इन लोगों के ये ईसाई मिशनरीज के टुकड़ों पर पलने वाले, ये जो है रोम से पलने वाले संचालित लोग, ये क्रिप्टो क्रिश्चियंस, ये लोग इस देश के अंदर जो है मिशनरीज का धंधा चलाते हैं। तो इन लोगों को बर्दाश्त कैसे हो कि एक भगवाधारी देश के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बन गया? तो ये जो हिंदुत्व जो है इस देश में जो पनप रहा है, ये इन लोगों को जो है सुहा नहीं रहा है, इन लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो रोज ये नए एजेंडे बिछाए जाते हैं, रोज अभिमन्यु को घेरने की कोशिश की जाती है, पर ये अभिमन्यु वो अभिमन्यु नहीं है कि जो उस चक्रव्यूह को नहीं भेज सकता। ये एक वो सन्यासी है, वो एक नहीं हजारों चक्रव्यूह को भेजेगा और देश के अंदर उस सनातन जो उस भगवा ध्वज को लहरा कर मानेगा।